हाय, दिस जोगेंद्र टुटेजा है टुडे टॉक्स देसी मार्टिनी। और आज बात करते हैं टाइगर श्रॉफ की 100 करोड़ क्लब में एंट्री के बारे में। बागी 2 हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ रियल 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 क्विक टाइम, और उसके साथ हुई है टाइगर श्रॉफ की एक सेंचुरी। फिल्म के सक्सेसफुल होने की वजह से नाउ टाइगर श्रॉफ हैज बिकम येट अनदर यंगस्टर हु हैज मैनेज्ड टू स्कोर अ सेंचुरी इन सच अ क्विक टाइम। उनकी ये पांचवी फिल्म है। हीरोपंती आई, बागी आई, दोनों चली। उसके बाद फ्लाइंग जेट आई, मुन्ना माइकल आई, दोनों नहीं चली। कहीं ना कहीं रिकॉर्ड 50-50 हो गया। अब मारना था टाइगर श्रॉफ को एक बड़ा चौका। चौका ही नहीं मारा, उन्होंने मार दिया एक छक्का, और वो भी स्टैंड्स के अंदर तो पहुंच ही गया है। देखना है कि क्या स्टेडियम के बाहर भी चले जाते हैं। दैट समथिंग दैट विल नो इन अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ। बट व्हाट हैज मीनवाइल हैपेंड इज दैट ही हैज मैनेज्ड टू डेब्यू इन द 100 करोड़ क्लब। तो और जो उनके कंटेम्पररीज और पीयर्स थे, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह, इन सब ने ऑलरेडी सेंचुरीज मार ही ली थी अब तक। अर्जुन कपूर के नाम भी सेंचुरी है, कार्तिक आर्यन के नाम पर भी एक सेंचुरी है। तो बात ये थी कि टाइगर श्रॉफ कब 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेंगे। उनका साथ दिया इस फिल्म में साजिद नडियाडवाला ने। उन्होंने ब्रेक दी थी टाइगर श्रॉफ को विद हीरोपंती एंड देन फॉलोड इट अप विद बागी। उन्होंने उसके बाद दो फिल्में करी जो साजिद के साथ नहीं थी। एंड नाउ दैट व्हेन ही हैज कम बैक विद साजिद फॉर हिज हैट्रिक फिल्म, he has scored bigger and better, so much so that Baaghi 2 is now smashing records left, right and center. Agar opening day bahut acha tha to weekend bhi acha raha, aur uske baad follow through over the weekdays has also been very consistent, and a result of that now Tiger has got a major success under his belt. Ab baat ye aati hai ki aage aane films mein Tiger Shroff apni century ki streak ko kitna aage lekar jati hai. Jo unki next release hai wo hai Karan Johar ke sath Student of the Year 2. फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पुनीत मल्होत्रा, लेकिन बिकॉज करण जौहर एक प्रोड्यूसर है फिल्म के साथ जुड़े हुए, तो इतना तो जरूर है कि प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत ही ग्रैंड होगी, हाइप भी बनाई जाएगी, मार्केटिंग भी डेफिनेटली होगी, प्रमोशन एक नेक्स्ट लेवल की होगी। द रिलीज इज गोइंग टू बी रियल बिग, एंड विद दैट इट इज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड दैट टाइगर श्रॉफ इज गोइंग टू हैव येट अनदर मेजर सक्सेस अंडर हिज बेल्ट। उन्होंने दो फिल्में और साइन कर ली हैं ऑलरेडी। बोथ ऑफ दीज आर एक्शन एंटरटेनर्स। एक तो है जो वो करेंगे ऋतिक रोशन के साथ। ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ एनीवेज हैव गॉट अ म्यूचुअल एडमायरेशन सोसाइटी गोइंग ऑन। बोथ ऑफ देम हैव देयर कोर इन एक्शन, बोथ ऑफ देम आर ग्रेट लुकर्स, बोथ ऑफ देम हैव फैबुलस डांसिंग सेंस। और अब जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो देखना है कि ये फिल्म कितनी बड़ी होती है। सो यस, दैट फिल्म इज अगेन गोइंग टू बी समथिंग वेरी मच टॉक्ड अबाउट इन मंथ्स एंड वीक्स टू कम। उसके अलावा बात हो रही है बागी 3 की। साजिद नडियाडवाला इज बैकिंग द फिल्म अगेन। बागी अब अपने आप में फ्रेंचाइजी बन ही गया है, तो बागी 3 भी बहुत बड़ी फिल्म होनी चाहिए। ये तो वो फिल्म्स हैं जो अनाउंस हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि टाइगर श्रॉफ और कौन सी फिल्म्स करते हैं इन द मिडल ऑफ दिस ऑल, बिकॉज आई एम वेरी श्योर दैट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन देयर आर गोइंग टू बी मेनी फिल्म मेकर्स लाइनिंग अप वेटिंग इन द क्यू टू गेट हिम ऑन बोर्ड। सो यस, ऑल सेड एंड डन, इंडस्ट्री नाउ हैज गॉट अनदर रिलायबल यंग स्टार अप देयर। और अब देखना यही है कि इस बड़े प्लेटफॉर्म का कैसे फायदा उठाते हैं टाइगर श्रॉफ इन टाइम टू कम। मेरे साथ बने रहिएगा, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट मोर सच सक्सेसेस एंड मोर सच एक्कोलेट्स दैट आर गोइंग टू कम द यंगस्टर्स वे। टिल देन, दिस जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी।